हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इन लाइफ पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको जल्द से जल्द प्राप्त होते रहें। आज की इस वीडियो का टॉपिक आप जानते ही हैं, हम आज बात करने वाले हैं कि आपकी सैलरी कितने रहने वाली है यदि आप सरकारी नौकरी पर टीचर की पोजिशन पर लगते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे PGT की। PGT जो है अब 7th पे कमीशन में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की सैलरी की बात करेंगे कि आखिर आपकी सैलरी जॉब पर लगते ही कितनी रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अपने गूगल में सर्च करना पड़ेगा 7th पे कमीशन मैट्रिक्स, तो उसकी इमेजेस आएंगी कुछ निकल कर, आप उस पर किसी पे भी क्लिक कर दीजिए और आप अपनी मैट्रिक्स चेक कर सकते हैं कि वह कितनी रहती है, कितनी दिखाई दे रही है। थोड़ा खुलने में देरी हो रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह खुल चुका है, आपका पे मैट्रिक्स जो है खुल चुका है। आप जानते ही होंगे कि टीचर का जो पे बैंड है वह कितना है, 9300 से लेकर 34800 रुपये, यह आपका पे बैंड है। और इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का लेवल क्या है, वह लेवल 8 है। तो आप ये समझ चुके होंगे लेवल 8 पर मैंने क्लिक किया है यहाँ पर, और लेवल 8 का जो आपका बेसिक पे रहेगा वह पहले वाला इंडेक्स रहेगा। मैं आपको दिखा दूँ आपको एक बार, यह जो है 47600 रुपये जो लिखा हुआ है यह आपका क्या है, बेसिक पे है। तो जो आपकी सैलरी कैलकुलेट होती है वह इसी बेस पर कैलकुलेट होगी। यह PGT की है 47600 रुपये, 44900 रुपये यह TGT की है, और यह 35400 रुपये PRT की है। PRT हो चाहे NTT हो चाहे फिर वह क्या हो, स्पेशल एजुकेटर हो, तो इन तीनों का जो ग्रेड पे है वह 35400 रुपये ही है। तो अब आशा है आप समझ चुके होंगे। अब मैं इसके हिसाब से आपको सैलरी निकालनी सिखाऊंगा कि आप अपनी सैलरी किस प्रकार से निकाल सकते हैं, कि आपकी सैलरी लगते ही जॉब कितनी रहने वाली है, सरकारी जॉब लगते ही कितनी रहने वाली है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें। हाँ, तो इस दिशा में हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी PGT पोस्ट के बारे में। तो PGT पोस्ट जो है उसका ग्रेड पे जो है वह कितना है, 4800 रुपये, ठीक है, 4800 रुपये आप जानते ही हैं। जो उसका बेसिक पे बैठेगा, वह बेसिक पे आपको मैंने पीछे दिखाई दिया कितना है, वह है 47600 रुपये। अब मैं आपको बता दूँ जो DA है वह इस पे 17% मिलेगा, जो आपका बेसिक पे है, बेसिक पे पर ही वह 17% मिलेगा। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आगे। यहाँ पर कितना, 47600 रुपये इंटू 17% को करेंगे तो हम 0.17 लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस हो गए, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई करना है 0.7 से, तो यह आपका आया 8092 रुपये निकल कर। तो यह जो आपको मिल रहा है यहाँ पर, यह जो 8092 रुपये मिले हैं यह आपके DA के मिलेंगे आपको। साथ ही मैं आपको बता दूं, यह 8092 रुपये जो आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं ये आपके क्या हैं, DA है। DA कितना, 17%, ठीक है। उसके बाद में आपको एक हाउस रेंट अलाउंस मिलता है HRA, तो HRA कितना मिलेगा आपको, तो मैं आपको बता दूं HRA जो है वह मिलता है 24%, और वह भी किस पर मिलता है आपको, इस बेसिक पे पर ही, जो कि 47600 रुपये है। तो यह निकाल के दिखाता हूं मैं आपको कितना निकल के आएगा। तो यह जो निकल कर आएगा यह है 0.24 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस बार हम, 24% मिलता है, तो आप देखते हैं 11424 रुपये बैठा क्या HRA। तो HRA आपका कितना बैठा, 11424 रुपये। नाउ एक और चीज़ आपको मिलती है इसमें यहाँ पर क्या, वह है TA विद DA, ठीक है। तो वह आपका लगभग 4212 रुपये है इस समय, 4212 रुपये आपको मिल रहे हैं इस पोस्ट पर। यदि आप आज के डेट के बाद
यानी कि एक साल बाद में लगते हैं, तो आपका यह जो सभी डीए से लेकर एचआरए से लेकर टीए से लेकर जितने भी बाकी के फंड्स हैं, ये आपको बढ़कर ही मिलेंगे। यह आज की डेट में है जो आपको मिल रहे हैं। तो 4212 रुपये आप देख सकते हैं यहाँ पर, 4212 रुपये जो हैं यह आपके क्या हैं, टीए विद डीए। जब आप इन तीनों चीज़ों को प्लस कर देंगे, जब आप इन तीन चीज़ों को प्लस कर देंगे, तो वह आपका सम जो आएगा वह आएगा आपका निकल के 71,328 रुपये। 71,028 रुपये जो है आपका निकल कर आया है, यह है आपका ग्रॉस, ठीक है। यहाँ के बाद में आपकी अब जो सैलरी में से कटौती होगी अलग अलग फंड्स की, अलग अलग एनपीएस की, या फिर आप किसी भी प्रकार का जो भी फंड कटवाना चाहें वह आपका इसी सैलरी में से कटेगा। आपकी जो ग्रॉस सैलरी निकल कर आएगी वह इतनी है, ठीक है। साथ ही इनकम टैक्स भी आपका इसी सैलरी के अंदर से कटेगा। यह आपकी ग्रॉस सैलरी है, नेट सैलरी आपकी बाद में निकल कर आएगी जो कि आपके बाकी के फंड्स को कट कर निकलेगी। अब बात करते हैं हम किसकी, टीजीटी पोस्ट की। तो टीजीटी पोस्ट पर जो हमने आपको ग्रेड पे बताया था वह कितना बताया था, 4600 रुपये। 4600 रुपये ग्रेड पे बेसिक पे हमने आपको वहाँ दिखाई दिया था कितना था, वह था 44,900 रुपये, ठीक है। ये रुपए में है जो भी है, 44,900 रुपये आपका क्या है ये बेसिक पे। अब इसी से आपका डीए निकलेगा और एचआरए। तो डीए कितना बताया था मैंने आपको, 17%। अब 17% हम निकाल कर दिखाते हैं आपको कितना था, वह 44,900 रुपये। 44,900 रुपये तो इस पर निकालते हैं हम 44,900 रुपये पर। तो यह 0.24 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप देखते हैं यह आपका जो निकल कर आया है यह क्या आया है आपका, एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस, 10,776 रुपये आपका क्या है ये एचआरए है। और साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें किसकी, 0.17 की, तो यह आपका क्या निकल कर आ जाएगा, डीए निकल कर आ जाएगा जो कि है 7,633 रुपये, जो कि हम आपको यहाँ दिखा देते हैं। तो आपकी है दोनों जो निकल कर आए हैं 10,776 और 7,633 रुपये, जब हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका जो सम निकल कर आएगा वह है कितना, इसके बाद में आपको 4,212 रुपये जो हैं ये आपके किसके हैं, टीए विद डीए के हैं। जब इन चारों चीज़ों को आप प्लस करेंगे तो वह आएगा आपका 67,521 रुपये निकल कर, यानी कि यह आपकी क्या हो गई, ग्रॉस पे हो गई, यानी कि इतने आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी। यदि आप शुरू शुरू में अपना एनपीएस फॉर्म नहीं लगाते हैं, अपना इनकम टैक्स फॉर्म नहीं लगाते हैं, तो आपकी जो सैलरी मिलेगी आपको वह इतनी मिलेगी सैलरी, इससे अलग इससे कम नहीं मिलेगी। आने वाले समय में आप आगे के टाइम में लगते हैं नौकरी पर तो आपको इससे बढ़कर ही सैलरी मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, पीआरटी की। बात कर रहे हैं अब हम पीआरटी की, तो आप जानते ही होंगे कि पीआरटी का जो ग्रेड पे है वह कितना है, 4200 रुपये। 4200 रुपये वही है किसका, स्पेशल एजुकेटर का। साथ ही एनटीटी के जो टीचर्स हैं उनका भी ग्रेड पे सेम ही है, 4200 जो है उनका ग्रेड पे 4200 रुपये ही है। साथ ही साथ इनका जो बेसिक पे है, या बेसिक पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 35,400 रुपये जो यह है लिखा हुआ है, यही सभी का बेसिक पे है। इसी के ऊपर हमें क्या लगाना है, डीए निकालना है, यहाँ पर डीए निकालना है, एचआरए निकालना है। तो उन सभी चीज़ों को हम निकाल चुके हैं यहाँ पर पहले ही, आप देख सकते हैं डीए हमने लिख रखा है 17%, 6,018 रुपये निकल कर आया है। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं इसको, जैसे मैंने अभी पीछे करके दिखाया। साथ ही साथ इसका एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जो है वह 24% निकाला, तो वह आया आपका 8,496 रुपये निकल कर। और उसके बाद में टीए विद डीए जो निकल कर आया वह आया 4212 रुपये। जब हम इन चारों चीज़ों को प्लस करेंगे तो आपकी ग्रॉस सैलरी निकल कर आ जाएगी जो कि है कितनी, 54,126 रुपये। यह ग्रोथ सैलरी आपके लिए
जब तक आपके अकाउंट में आती रहेगी, जब तक आप अपने एनपीएस का फॉर्म नहीं भर देते हैं, इनकम टैक्स का फॉर्म नहीं भर देते हैं, या फिर किसी प्रकार की अपने अकाउंट से कोई लोन नहीं ले लेते हैं, जब तक आपकी यही सैलरी आती रहेगी आपके अकाउंट में। तो इसी के साथ जुड़े रहें हमारे साथ, आने वाली वीडियो में आपके लिए एक से एक बेहतर वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।